नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अनिल चौधरी फिटनेस। जैसा कि आप देख रहे होंगे थंबनेल में, आज मैंने अपना फोटो नहीं लगाया है बल्कि दो महान लोगों का थंबनेल लगाया हुआ है, जिसमें से एक है अपने बॉडी बिल्डिंग के यतेंद्र भाई और दूसरी तरफ है अपने विवेक बिंद्रा, जो कि महान इंसान है। आप लोग शायद नहीं जानते विवेक बिंद्रा कितने महान हैं और उन्होंने क्या काम किए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि बड़ा बिजनेस .com के सीईओ हैं और फाउंडर हैं और बहुत ही बड़े मोटिवेशन लीडर हैं। आग लगा देते हैं वो जब बोलते हैं, तो जब वो अपनी स्पीच देते हैं तो आग लगा देते हैं। आज से एक महीने पहले, दो महीने पहले मैंने उनकी वीडियो डाली थी और ये बताया था कि ये दो बंदे जो हैं दुनिया बदलने वाले हैं और बदल के रहेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं वाकई बदल भी रहे हैं। अपने यतेंद्र भाई भी उनके चैनल में भी उनका इंटरव्यू हुआ है, एक नहीं दो दो इंटरव्यू हुए जिसमें कि मैंने ये थंबनेल उनका यूज किया हुआ है। और आपको मालूम होना चाहिए विंद्रा भाई जो हैं अपने, उन्होंने ये 3 महीने यानी 100 दिन की ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई। उस 100 दिन की ट्रांसफॉर्मेशन में उन्होंने अपना 26 किलो वजन जो है कम कर लिया। और ये बड़ा अद्भुत तरीका नहीं कहेंगे कि बड़ा आसान तरीका कहेंगे, और आप लोग भी इस चीज को कर सकते हो। लेकिन यार मानना पड़ेगा विंद्रा भाई को, अपने विवेक भाई को, कि जो कि अपना इतना बिजी होने के बाद भी, क्योंकि उनके पास इतने सारे बिजनेस हैं, इतनी सारी उन्होंने कंपनियां खोल के रखी हुई हैं, उसके बाद भी उन्होंने टाइम निकाल करके जो इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की है, अपना वेट कम किया है, डाइट पे कंट्रोल किया है, वो बड़ा जबरदस्त था। मैं इनकी वीडियो तो 3 साल से देख रहा था, लेकिन जब उन्होंने मैंने इनकी ट्रांसफॉर्मेशन देखी तो मैं समझ गया, जैसे वो सुकुड़ रहे थे तो मैं देख रहा था कि ये कहीं ना कहीं जिम जा करके किसी ट्रेनर के अंडर में ही अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका वेट जो है काफी कम होता जा रहा है। भाई देखो, ये आपको क्या लगता है कि शरीर से बड़े मजबूत होंगे? भले ही शरीर से मजबूत ना हो लेकिन माइंड से बहुत ज्यादा मजबूत हैं वो, इस वजह से उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की। और गेम भी जो बॉडी बिल्डिंग का अपना है वो माइंड का ही है, और भाई माइंड होगा तभी आप अपने शरीर को मजबूत भी कर पाओगे। इसलिए मैं माइंड गेम ही बोलूंगा कि शुरुआत में जब हम लोग पास बिल्कुल भी ताकत नहीं होती तो हमारा दिमाग ही हमारा साथ देता है, और धीरे 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 हम अपने शरीर को उस रेंज पे ले जाते हैं। इसलिए जो मैं आज का टॉपिक अपना होने वाला है वो रेंज ऑफ ट्रेनिंग के पे ही होने वाला है। मैं रेंज ऑफ ट्रेनिंग की बात करने वाला हूं, जिस रेंज की ट्रेनिंग मैं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप करो आप करो आप करो, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये रेंज ऑफ ट्रेनिंग है, ये बॉडी बिल्डिंग की लास्ट स्टेज है जिस ट्रेनिंग को मैं अंजाम दे रहा हूं। यानी एक तरीके से मैंने भी अब इतिहास रच दिया है, और शायद आप लोगों को भरोसा ना हो लेकिन ये सच्चाई है कि मैंने इतिहास रच दिया है। और आने वाले समय में इस आप 10 साल 20 साल या 2 साल कुछ भी हो सकता है, जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते, कोई भी ट्रेनिंग तब तक इंटरनेशनल नहीं होती जब तक हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। और जानना चाहिए कि जब तक ये जो एडवांस ट्रेनिंग होती है जो हमारे साथ नहीं चल रही है, जो आज तक किसी ने नहीं की है, उसको सुनने के बाद भी बड़ा अजीब सा फील हम लोग करते हैं, ऐसा लगता है कि बड़ा अटपटी सी चीज है, ये गलत बोल रहा होगा और इससे की कोई ट्रेनिंग नहीं है। मैंने आपको डिजर्ट ट्रेनिंग दिखाई है जिसमें मैंने रेन कोट पहन कर ट्रेनिंग की है, अभी की जो मेरी ट्रेनिंग है वो उससे और 5 गुना ज्यादा टफ है, खतरनाक है। और भाई मुझे तो लोग पहले भी मारना चाहते थे कि रेन कोट पहन के कर रहा है मर जाएगा, मैं तो अभी जिंदा बैठा हूं, ठीक है। और भाई एक एनाबॉलिक की इंसान को मैं नहीं जानता जो पहले से मरा रहता है वो मर सकता है, मैं ये नहीं, मैं ये कहता नेचुरल यार, हम लोग का तो यार समय बीत गया यही करते हुए, बचपना बीत गया, ऐसे ही रिस्क लेना, ऐसे ही काम करना, इसी तरीके से अपना शेड्यूल बिजी रखना और ट्रेनिंग हार्ड ट्रेनिंग करना, काफी कुछ इस बीच में रहा अपने लाइफ में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे विवेक बिंद्रा भाई के चैनल पे अपने यतेंद्र सिंह ने इंटरव्यू दिया और काफी उन्होंने मोटिवेट किया अपने यूथ को। लेकिन अभी जो रियलिटी क्या है ना, बॉडी बिल्डिंग में मैं आपको इतने सालों से क्या दिखा रहा हूं, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग दिखा रहा हूं। यार मैं तो फेलियर हूं मेरे भाई, और मुझे फेलियर पसंद भी है, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं फेलियर
अचीव करना चाहता हूँ, आई एम फेलियर, क्योंकि फेलियर हमें बहुत कुछ सिखाता है। देखिए उम्र हो गई 42 साल, अब इस उम्र में मैं कहूँ मिस्टर ओलंपिया मैं बनूंगा तो यार बड़ी अजीब बात है और अपने आप को भी धोखा देने वाली बात है। हाँ मैं एक अच्छा ट्रेनर बनूंगा, ये भी बड़ी अजीब बात होगी। कब कौन लड़का आएगा मेरी ट्रेनिंग में मेहनत करने वाला, और मैं कब उसको नेचुरल तरीके से ट्रेनिंग करूंगा, धीरे 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 मैं अपने जितने एक्सपेरिमेंट मैंने अपने ऊपर किए वो उस पे करूंगा, उसको उस लेवल पे लेके जाऊंगा। क्यों यार बहुत समय लगेगा, पहली बात तो आएगा ही नहीं, आ गया तो देखो कहने और करने में बड़ा अंतर होता है। आदमी कहता है सर जान लगा दूंगा, पूरी मेहनत करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा, पूरी जान लगा दूंगा, जी जान जैसा कहो, और महीने भर के अंदर ही उसकी हवा निकल जाती है। ये देखते हुए मुझे समय हो गया। यतेंद्र भाई के इंटरव्यू में बताया कि 2 साल वो व्हील चेयर में रहे, उसके बाद फिर से खड़े हुए और फिर से उन्होंने मिस्टर एशिया का खिताब जीता। देखा मैंने, देखा आपने, देखा सबने देखा, वाकई इतिहास रचा उन्होंने। मेरे को 13 साल बाद वापसी मैंने की, मैंने 13 साल बाद 12 साल बाद वापसी की और इतिहास रच दिया। ठीक है 12-13 साल बाद, समझते हो आप क्या होता है, मतलब 2003 से चार चार तीन में मैंने अपना वेट लिफ्टिंग छोड़ दिया था और वहीं 3 में मैंने अपना जिम खोला था, जो कि ज्यादा से ज्यादा मैंने 1.5 साल चलाया होगा, उससे ज्यादा नहीं चला पाया। उसके बाद उसको भी मुझे बंद करना पड़ा। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि 2004 के बाद से मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई, और 2016 में भाई जिम खोला मैंने 16 में, और उसके बाद मैं तुरंत अपनी ट्रेनिंग चालू नहीं कर दूंगा, समय लगेगा ट्रेनिंग चालू करने में। धीरे धीरे समय बीतता गया लेकिन मैंने 1-1.5 साल में बहुत घसीट दिया। पहला कंपटीशन भी 2017 में खेल लिया जिसमें टॉप 5 में अपनी कैटेगरी में मैं आया था। तब से लेके बाद तक मैंने कभी पलट के नहीं देखा। कंपटीशन काफी टफ होते जा रहे हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं HGH पेप्टाइड्स और एम्प का इस्तेमाल बड़ा धड़ाके से हो रहा है जिमों में, और लड़के कर भी रहे हैं। तो यार देखो मैं मजाक नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता। सबसे मेरे चैनल का ना चलने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि मैं झूठ नहीं बोलता, जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ। और जब भी आप लोग मेरे चैनल पे आओगे या ट्रेनिंग में आओगे मेरी, तो फिर पता लग जाएगा कि मैं किस तरीके की ट्रेनिंग देता हूँ, नेचुरल ट्रेनिंग दे भी पाता हूँ कि नहीं, कि केवल बकवास करता हूँ। तो मेरी ट्रेनिंग जो मैंने किताब जहां से खत्म हो गई थी ट्रेनिंग की, वहां से पन्ने पलटते हुए लिखना चालू कर दिया है, पहले भी बता दिया है, तो इतिहास तो रचा ही जाएगा। और मैं चाहता हूं मुझे भी विवेक भाई मौका दें अपने चैनल में आने का, थोड़ी सी आग लगा दूं मैं भी थोड़ी सी। मैं जानता हूं बड़े चतुर इंसान हैं अपने डॉक्टर साहब, तो चतुर इसलिए हैं क्योंकि सबका वो थोड़ा थोड़ा ज्ञान जो है ना लेते रहते हैं। यतेंद्र भाई का ले लिया, आवी वर्मा का ले लिया, और दो चार लोगों को अपने लाते रहते हैं, उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन की जरूरत है ना आगे कि वो और आग लगा सकें दूसरों को, तो कहीं ना कहीं से तो मोटिवेशन लेना ही पड़ेगा ना, इसलिए वो मोटिवेट होते हैं। तो मैं कहता हूँ थोड़ी सी आग मेरे से भी ले लें और थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए, क्योंकि मैंने इस बॉडी बिल्डिंग की जो चरम होती है ना, चरम ऐसे मैं ये नहीं कहूंगा चरम है, क्योंकि खोजने के लिए अभी बहुत कुछ है। बॉडी बिल्डिंग अपने आप में ब्रह्मांड है, मैंने कई बार तो ये बोला है। वेट लिफ्टिंग ज्यादा टफ है बॉडी बिल्डिंग से, लेकिन जब मैंने इसमें गहराई से कूदा और मैं इसमें घुसा, जब मैंने अपनी कैटेगरी को और नीचे ले जाकर काम किया, तो मुझे पता लगा नहीं भैया समंदर है, और मुझे अभी काम अगर करना है तो अपने बॉडी वेट को यहीं पर रोक कर ही काम करना है, कंप्लीट करना है, यानी पूरा कंप्लीट बॉडी बिल्डर बनना है और उसके बाद ही वेट बढ़ाना है। और वेट जो बढ़ाना है उसका तरीका भी अलग तरीके का होगा, इसमें कोई गेनिंग वगैरह मटेरियल नहीं चलेगा कि और चावल खाया, आलू खाया और केले खा के गेन कर लिए, वो वाली गेनिंग नहीं चाहिए, फलों वाली गेनिंग चाहिए। तो गेनिंग जो होगी वो मेरी फलों वाली गेनिंग होगी, और जो होगी वो लीन गेनिंग होगी, सबसे बड़ी बात ये है। तो मेरा वजन अभी अपने कैटेगरी से बढ़ा हुआ 4 किलो 5 किलो ज्यादा है, ज्यादा वेस्कुलर है, ज्यादा मस्कुलर है, बहुत अच्छी दिख रही है। अभी तक तो मैं केवल अपर को उस तरीके से ट्रेंड करता था, लेकिन लेग को भी मैं अब 3rd डिग्री टॉर्चर के साथ ट्रेंड कर रहा हूं, और भैया बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग है जो मैं कर रहा हूं। तो बस इतना ही कहना है कि भैया अभी मैं जीत के आया हूँ सिल्वर मेडल मिस्टर यूपी में। हाँ फिर एक बार लूजर, कोई बात नहीं, हम तो यार हारने के लिए पैदा हुआ, हारते रहेंगे इसी तरीके से, क्यों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो रह जाएगी। एक नेचुरल और एक एनाबॉलिक मंत्र होता है, लोग नहीं मानते, मत मानो,
भाई मानोगे कब, जब आओगे ट्रेनिंग में मेरे पास, और मैं जब मुझे भी कोई चैलेंज कर सकता है ना आने वाले समय में। भाई तू नेचुरल बोलता है, करके दिखा भैया। चैलेंज दोगे मर जाओगे तुम लोग, क्योंकि चैलेंज के समय मैं और खतरनाक हो जाता हूँ। ठीक है, आर पार की लड़ाई होती है। वैसे भी ट्रेनिंग मेरी बड़ी हार्ड रही है, बचपन से भी हार्ड रही है। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत अलग 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 ट्रेनिंग की है, बचपन से कोई कोच नहीं रहा मेरे साथ जिसने मेरे साथ काम किया, इसलिए थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, सुधरती हैं। और देखिए, एक्सपेरिमेंट करने वाले और जितने साइंटिस्ट लोग होते हैं उनके ऊपर कोई नहीं होता, ये रियलिटी है। वही कुछ ना कुछ नया कर पाते हैं। और जरूरत ये थी कि देखो अभी इस समय क्या चल रहा है, मेरे पास पैसे की मंदी चल रही है। ठीक है, उस पैसे की मंदी में कुछ ना कुछ तो भैया मैंने केवल वे प्रोटीन खाया इस बार, केवल वे प्रोटीन, BCAA, ग्लूटामाइन, क्रिएटिन और मल्टीविटामिन, फिश ऑयल और बहुत सारी चीजें। ये बताऊँ, मैं तो तरोया लौकी खाने वाला इंसान हूँ। ठीक है, लैया खा करके तो मैं अपनी वो करता हूँ, क्या कहते हैं, अपनी बॉडी को फिल करता हूँ। लेकिन हाँ यार, इस बार कंपटीशन में क्या हुआ ना, बॉडी मैंने खाली तो बहुत कर दी थी लेकिन उसको भर नहीं पाया। मुझे बर्गर खाने दिए, 4 5 6 बर्गर खाता तो बॉडी फुल हो जाती। खैर कोई बात नहीं, कमी तो कमी होती है, कमी मुझे मालूम थी क्या है, ग्लूट के एरिया में बहुत कमी ही है, और ग्लूट को मैंने अब चीरना चालू कर दिया। तो बहुत जल्दी 2 महीने 1 महीने में ग्लूट भी बहुत अच्छे, आगे के कंपटीशन बहुत अच्छे हैं। फेडरेशन कप है, एशिया कप लगा हुआ है, एशिया फिर उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप का भी ट्रायल है, अगर फॉर्म पे रहे, क्योंकि 6 महीने मेरे हैं, अक्टूबर से मेरी ट्रेनिंग चालू होती है, 1 महीना हो गया है, 5 महीने मेरे पास है, इसके बाद तो ये 5 महीने मेरे ही हैं। क्योंकि यहाँ पर सुबह भी मेरे को समय मिल जाता है 1.5 घंटे करने का, और शाम को तुम रहता ही रहता है। इसके अलावा देखिए, जॉब भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, तो नौकरी करना और उसके साथ सुबह शाम की एक्सरसाइज करना, अपने आप को बिल्कुल एनर्जी खत्म कर देना, निगेटिव एनर्जी खत्म कर देना। यकीन मानो 12 से 1 बजे के बाद में जब कुछ खाता हूँ तो धीरे धीरे करके 1 बजे के बाद ही मुझे फील होता है कि मेरे अंदर एनर्जी आ रही है। 1 बजे से पहले ऐसा लगता है मेरा काम खत्म, यानी एनर्जी ही नहीं रह जाती, पूरी एनर्जी मैं निचोड़ के फेंक देता हूँ। अब रिकवरी करनी पड़ेगी, तो रिकवरी मैं किससे करूंगा ये बताओ। तो मैं कार्बोहाइड्रेट से रिकवरी नहीं करता, मुझे एनर्जी की रिकवरी करनी है तो फैट से करूंगा, प्रोटीन तो मुझे खाना ही खाना है। ठीक है, तो मैं एनर्जी की रिकवरी फैट से करता हूँ, कार्बोहाइड्रेट मेरा बहुत कम है, ना के बराबर है। तो ऐसे चलता रहेगा मेरे साथ ये ट्रेनिंग का हिस्सा, और आगे आप देखते रहिए, मैं नई नई ट्रेनिंग लेके आऊंगा। आप लोग समझोगे, लेकिन आपको समझने में अभी समय लगेगा, क्योंकि आप जो ट्रेनिंग अभी चलन में चल रही है उन्हीं को नहीं जानते। जो मैंने ट्रेनिंग बना रहा हूँ वो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की है, आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद या 40 साल बाद एक्सेप्ट कर पाओगे आप लोग। नहीं, हो सकता है कुछ ऐसे भी हो जो 1 ही 2 साल में एक्सेप्ट कर ले। ये बहुत अच्छा बाउंस बैक है, बिल्कुल डॉक्टर साहब के तरीके, जैसे डॉक्टर साहब बाउंस बैक मारते हैं, यतेंद्र सिंह ने बाउंस बैक मारा, वैसे अनिल चौधरी का भी बाउंस बैक है ये। ट्रेनिंग बहुत खतरनाक है ये, और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को बहुत पीक दे सकती हैं, इनहेंस्ड बॉडी बिल्डिंग को बहुत ज्यादा पीक दे सकती हैं। अपने यहाँ से मिस्टर ओलंपिया तैयार किए जा सकते हैं, ये मैंने देख लिया इस ट्रेनिंग से। तो सबसे पहले तो मैं अपने आप को तैयार करूं, साबित करूं कि हाँ भैया ट्रेनिंग में दम है, उसके बाद आगे बढ़ूं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। रेंज ऑफ ट्रेनिंग, आपको अपने ट्रेनिंग का रेंज पता होना चाहिए। मुझे पता लग गया, इसी रेंज पे काम करूंगा, खतरनाक ट्रेनिंग है लेकिन इसी रेंज पे काम करूंगा। 2 लीटर पसीना तो मैं रोज बहा देता हूँ, और फिर उसकी रिकवरी पानी पी पी के करनी पड़ती है। अभी देखो गला सूख रहा पूरा, फिर भी बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, चलता रहता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। ओके दोस्तों, बाय बाय।